ओके सो फाइनली टेक्नो एयरबड का जो पेयरिंग वाला इशू है, जो कनेक्टिंग वाला इशू है, मैं गारंटी से कहता हूँ अगर आप इस तरीके को अच्छे से फॉलो करते हो तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैं जानता हूँ आप लोग बहुत परेशान हुए हो, बहुत ज़्यादा ही दिनों से परेशान हो रहे हो, और यूट्यूब पर शायद कोई वीडियो भी नहीं है जो टेक्नो एयरबड के पेयरिंग वाले इशू को या कनेक्टिंग वाले इशू के ऊपर कोई वीडियो हो। अच्छे से आप वीडियो देखो, ध्यान से देखो, 100% आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपका कोई दूसरा एयरबड है तो भी आप ट्राई करके देखो, मे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। वीडियो का इंट्रो हम ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, हम डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो हेल्प करे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये है टेक्नो का एयरबड, और इस एयरबड का जो पेयरिंग इशू है, जो दोनों आपस में कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, हमें उसको सॉल्व करना है। बहुत सिंपल है, लेकिन इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा ताकि आपको जो प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करना है कि आपके पास जो भी फ़ोन है या लैपटॉप है, अगर उसमें ब्लूटूथ ऑन है, ठीक है, अगर ब्लूटूथ ऑन है तो उसको यहाँ पे आपको ऑफ करना है। आसपास में जो भी फ़ोन है या जो भी लैपटॉप है, सबके ब्लूटूथ आपको यहाँ पे ऑफ कर देना, ठीक है। जब ब्लूटूथ ऑफ हो जाए उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे इस टेक्नो एयरबड केस को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद जो दोनों एयरबड हैं, लेफ्ट वाले और राइट वाले, दोनों को बाहर हमें निकालना है। और निकालने के बाद जो लेफ्ट वाला एयरबड है, यहाँ पे आप देख सकते हो, लेफ्ट वाले एयरबड को हमें बाहर ही रखना है, और राइट वाले एयरबड को हम वापस से अंदर रख देंगे केस के अंदर में। ये रहा, ये सब यहाँ पर हम रखेंगे। तो आप देख सकते हो जो लाइट ब्लिंक कर रही थी वो लाइट ब्लिंक करना बंद कर दिया है। अब हमें क्या करना है, राइट वाले एयरबड पे लगातार प्रेस करके रखना है तब तक जब तक इसमें रेड कलर की लाइट ना जल जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम, 1, 2, 3 एंड 4, इसको लगातार हमको प्रेस करके रखना तब तक जब तक इसमें रेड कलर की लाइट ना जल जाए, हमें इसको बीच में छोड़ना ही नहीं है। तो आप देख सकते हैं कुछ देर में यहाँ पे आप देख सकते हो कि रेड कलर की लाइट जली थी अभी, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये एयरबड जो वो स्विच ऑफ हो चुका है। अब मतलब जब स्विच ऑफ हो गया, अब इसका जो प्रोसेस है रीसेट करने वाला वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना है, इस एयरबड पे लगातार हमें टैप करना है ताकि इस पर पर्पल कलर की लाइट जल जाए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा फ्लैश ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको पर्पल कलर की लाइट आपको अच्छे से दिखे, आप अच्छे से समझ पाओ कि पर्पल कलर की लाइट कैसे दिखती है, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 1, 2, 3 एंड 4, लगातार टैप करना है, रुकना नहीं है। अभी हम देख सकते हैं ब्लू कलर की लाइट जली है, बट आपको रुकना नहीं है, आपको लगातार टैप करते ही जाना है, लगातार टैप करते जाना है ताकि यहाँ पर आपको पर्पल कलर की लाइट यहाँ पे जल जाए ब्लू। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये रही पर्पल कलर की लाइट, अभी शायद आपको अच्छे से नहीं दिख रहा हो, क्योंकि जब आप करोगे तो आप अच्छे से देख सकते हो कि पर्पल कलर की लाइट जो थी वो कैसा दिखता है। यहाँ पे पर्पल कलर लाइट जल चुकी है, अब वो लाइट जो वो लगातार जलेगी, ब्लिंक नहीं करेगी, लाइट जल के मतलब रुक जाएगी, और रुकने का मतलब हुआ कि वो अब एयरबड जो वो रीसेट हो चुका है। आप देख सकते हो ये पर्पल कलर की लाइट। अब हमें सेम प्रोसेस लेफ्ट वाले एयरबड के साथ भी अप्लाई करना है, इसे भी हम यहाँ पे केस में रखेंगे। और ये एयरबड तो पहले ही स्विच ऑफ हो चुका है, हमें सिंपली इस पर भी लगातार टैप करते जाना है तब तक जब तक इस पर भी पर्पल कलर की लाइट ना जल जाए। तो स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3 एंड 4, हम देख सकते हैं पहले ब्लू कलर की लाइट जली, फिर ब्लू और रेड कलर की लाइट जलेगी, उसके बाद आपको पर्पल कलर की लाइट यहाँ पे जलने स्टार्ट हो जाएगी, हमें बस रुकना नहीं है। ब्लू और रेड हुई, अब पर्पल कलर की लाइट यहाँ पे जल चुकी है। ये आप देख सकते हो ये दोनों एयरबड में पर्पल कलर की लाइट जल चुकी है, और दोनों लाइट लगातार जल रही है, ब्लिंक नहीं कर रही है, इसका मतलब हुआ कि ये एयरबड जो आप वो रीसेट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आप वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं कीजिएगा, आपको इस एयरबड का जो केस है उसको हमें बंद कर देना है। आप देख सकते हो पर्पल कलर की लाइट यहाँ पे जल रही है, बंद कर देना है, और बंद करना है उसको हमें 10 सेकेंड के लिए ऐसे ही रहने देना, ठीक है, ऐसे रहने देना है। और मैं आपको आवाज़ की टेस्टिंग के लिए एक म्यूज़िक सुना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो जाए जो मैंने आपको प्रोसेस बताया है वो 100% काम भी कर रहा है। मैं अभी एक म्यूज़िक ढूंढ लेता हूँ यहाँ से मैं। तो गाइस जब आपको लगे कि 10 सेकंड हो चुका है, उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपली अपने फ़ोन का जो ब्लूटूथ है उसको यहाँ पे हम यहाँ पे ऑन करेंगे, ठीक है। और ऑन करने के बाद हमें सिंपली क्या करना है, ब्लूटूथ जो सेटिंग है हम वहाँ चले जाएंगे और उसको यहाँ पे ऑन रहने देंगे। अभी वीडियो एडिट कर रहे थे बट अचानक से मुझे एक चीज़ याद आया, और ये मुझे लगा कि यहाँ पे लोग गलती कर सकते हैं। तो एक चीज़ अगर मान लो कि आपके फ़ोन के ब्लूटूथ में दो दो टेक्नो एयरबड दिख रहे हैं, ठीक है, मैं साथ साथ आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके साथ में यहाँ पे साइड में शो भी कर रहा हूँ, अगर आपको दो दो टेक्नो एयरबड दिख रहे हैं वहाँ पे, तो सिंपली क्या करो, उस सेटिंग वाले आइकन में क्लिक करो, और वहाँ पे आपको एक अनपेयर का ऑप्शन है, उस पर अनपेयर पे क्लिक कर दो, ठीक है। दोनों के सेटिंग वाले आइकन में क्लिक करके
अनपेयर कर दो, फिर ऊपर में आपको एक रिफ्रेश का बटन दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर पुश शो भी कर रहा हूँ अभी, वहाँ पे देख उसको रिफ्रेश कर दो। उसके बाद जो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ कि जो ब्लूटूथ आपको ऑफ करके काम करना है वो आपको आगे से सेम टू सेम वैसे करते जाना है, तो इसको आप जरूर कर देना ताकि वो दोनों अनपेयर हो जाए पहले ही। ऑन है देने के बाद हमें क्या करना है, सिंपली जो टेक्नो एयरबड का जो ये केस है हमें इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे हमें रुकना है, ठीक है, यहाँ पे हमें खुद से कनेक्ट करने की कोशिश नहीं करना है, जब रुकना है ये अपने आप एक कनेक्ट होने की कोशिश करेगा, जब ये अपने आप कनेक्ट नहीं होगा तो हम यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हम कुछ देर रुकेंगे यहाँ पे, हम जब देखेंगे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे फ़ोन में टेक्नो हाई पोर्ट्स लिखा होगा ही, हमें सिंपली उस पर क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे कनेक्टिंग का ऑप्शन आ जाएगा, पेयरिंग करने का भी ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा, हम सिंपली पेयर पे क्लिक करेंगे और ये एयरबड कनेक्ट हो जाएगा। जो आवाज़ का प्रॉब्लम था कि दोनों में अलग अलग आवाज़ आ रहे हैं, वो आवाज़ का प्रॉब्लम एक साथ नहीं आएगा अब, और दोनों एयरबड अलग अलग भी शो नहीं होगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए आवाज़ भी सुना देता हूँ। तो ये है लेफ्ट वाला एयरबड, आप देख सकते हो लेफ्ट वाला एयरबड है और इसमें आप आवाज़ यहाँ पे सुन सकते हो। अगर आपको आवाज़ कम लग रहा है तो मैं आपको आवाज़ बढ़ा के भी सुना देता हूँ, ठीक है। ये लेफ्ट वाला एयरबड है और ये है राइट वाला एयरबड जिसमें आप आवाज़ सुन रहे हो। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, बहुत आसान है, बट इसका गौर से देखना जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, ताकि मैंने जो आपको बताया वो अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाए और ये जो प्रॉब्लम है आपका वो हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए।